जी दोस्तों, आज की एपिसोड में आपके लिए हम लेकर आए हैं दो अहम खबरें स्पोर्ट्स के लिहाज से। दो बड़ी न्यूज़ है हमारे पास। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान ने पीसीबी ने 15 रुकनी मुमकना स्क्वाड जो है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जो होनी है उसका ऐलान कर दिया है। दूसरी खबर हमारे पास है कि 100 लीग जो होनी है इंग्लैंड में, उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को क्यों पिक नहीं किया गया। इसके अलावा 5 कौन से वो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जिनको ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया है और उन्हें कितनी रकम दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड में खेले जाने वाली 100 लीग ड्राफ्ट जो है उसमें किन किन पाकिस्तानियों को पिक किया गया है और उन्हें कितनी रकम दी जाएगी और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को क्यों ड्राफ्ट किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नसीम शाह की। नसीम शाह को ड्राफ्ट के लिए पिक कर लिया गया है। उन्हें जो रकम दी जाएगी वो 1,25,000 पाउंड दिया जाएगा। उसके अलावा दूसरे नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी हैं। शाहीन शाह अफरीदी को 1,00,000 पाउंड की रकम अदा की जाएगी। उसके अलावा तीसरे नंबर पर आते हैं इमाद वसीम। इमाद वसीम को भी 1,00,000 पाउंड दिया जाएगा। उसके अलावा चौथे नंबर पर हारिस रऊफ आते हैं। हारिस रऊफ को 75,000 पाउंड दिए जाएंगे। उसके अलावा पांचवा नंबर जो है वो आता है उसामा मीर का। उसामा मीर को भी $60,000 अदा किए जाएंगे। जी दोस्तों, अगर हम मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को मुसलसल चौथी दफ़ा जो है ड्राफ्ट किया गया है ड्राफ्टिंग से। जी हाँ दोस्तों, 2021, 2022, 2023 और इस मरतबा 2024 में भी इग्नोर कर दिया गया है बाबर और रिजवान को। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के 15 रुकनी मुमकना स्क्वाड का ऐलान किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 के लिए। वो कौन से खिलाड़ी हैं? सबसे पहले नंबर आता है शाहीन शाह अफरीदी का। उसके बाद बात करें तो बाबर आजम हैं, साइम अयूब हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, आजम खान हैं, ख्वाजा नाफे हैं, फ़खर जमान हैं, इफ्तखार अहमद हैं, शादाब खान की वापसी हुई है, उसके अलावा अबरार अहमद हैं, उसके अलावा जमान खान हैं, हसीबुल्ला खान हैं, आमिर जमाल हैं और नसीम शाह की भी वापसी हुई है। जी दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाना ना भूलिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।